बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 23 का तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि ये जो आयात हैं इनमें यहूदियों की साजिशों और उनके कारस्तानियों का तज़किरा किया जा रहा है। यह आयत भी दरहकीकत उसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि पिछली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया था कि ये वो बदनसीब हैं, इकारत गए जिनके अमाल दुनिया और आखरत में। इकारत गए का मतलब है जाया हो गए, ठीक है। दुनिया और आखरत में उनके अमाल जो कुछ उन्होंने किया है वो सारे का सारा जाया हो गया। जाया हो गया का मतलब ये है कि उनको उसका सवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। उनके नाम अमाल में सिर्फ गुनाह ही लिखे जाएंगे। वो जो कुछ उन्होंने किया है वो सारा उनका मेहनत जाया हो गई, बर्बाद हो गई, उसका उन्हें फायदा नहीं होना। अब यहां पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मजीद आगे फिर उनके इस बुरे मामले की वजाहत कर रहा है। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम अलम तरा इल्लल लदीना ऊतू नसीबम मिनल किताब युदऊना इला किताबिल्लाहि लियहकुमा बैनहुम तुम यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुरिदून। क्या लम तरा, नहीं देखा आपने, क्या आपने नहीं देखा, इलल्लदीना इलाक मतलब होता है की तरफ, अल्लदीना उन लोगों की तरफ जिन्हें ऊतू दी गई या दिया गया नसीबन कुछ हिस्सा, मिनल किताब, मिन का मतलब होता है से, किताब किताब से यानी किताब का, क्या नहीं देखा आपने उन लोगों की तरफ जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया। युदऊना इला किताबिल्लाह, युदऊना वो बुलाए जाते हैं यानी उन्हें बुलाया जाता है इला किताबिल्लाह। इला का मतलब होता है की तरफ, किताब किताब अल्लाह है, अल्लाह ताला की किताब इलाही की तरफ वो बुलाए जाते हैं। तवल्ला सुम्मा, अच्छा लियाहकुमा बैनहुम, लियाहकुमा ताकि तस्वीर कर दे, बैनहुम यानी लियाहकुमा ताकि फैसला कर दे, बैनहुम उनके दरमियान, सुम्मा फिर यतवल्ला पीठ फेर लेता है फरीकुन एक गिरोह मिनहुम उनमें से, वहुम मुरिदून वहुम वा, यहाँ पर वैसे वाह तो और के माना में इस्तेमाल होती है लेकिन वहां पर जो वाह है वो हाल बयान करने के लिए आ रही है। वहुम इस हालत में कि वो लोग मोरदून रू गर्दानी करने वाले होते हैं, क्या नहीं देखा आपने उन लोगों की तरफ जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया है, जब बुलाए जाते हैं किताब इलाही की तरफ ताकि तस्वीर कर दे यानी फैसला कर दे उनके बहमी झगड़ों का, तो पीठ फेर लेता है गिरोह उनमें से दरहा के दरअ हाले के यानी इस हालत में के वो रू गर्दानी करने वाले होते हैं। पिछली आयात जिस तरह मैंने अभी पहले अर्ज किया है कि जब ये रकू शुरू हुआ है तो अल्लाह ताला ने उनके गुनाह बताए हैं, फरमाया कि अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं, अंबियाए किराम को नाहक शहीद करते हैं, मुखालफत करना इनकार करना दूर की बात है, जुटला देना तकजीब करना दूर की बात है। वो लोग हक की दुश्मनी में इस कदर आगे बढ़ चुके थे यहूदी कि अंबिया किराम को नाहक शहीद करते थे और उन लोगों को भी शहीद करते थे जो अदल इंसाफ को ना कुम देते, जो कहते थे कि यार ये ज्यादती ना करो, जुल्म ना करो, इस्लाम के खिलाफ ना आओ, इंसाफ के साथ चलो, दीन के अहकाम के मुताबिक चलो, तो उनको भी वो लोग जो है ना शहीद कर देते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि उन्हें आपने दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे। फिर अल्लाह ने फरमाया कि ये इतने बड़े गुनाह हैं कि इसकी वजह से उनकी दुनिया और आखरत के सारे अमाल इकारत हो गए यानी जाया हो गए और उनका कोई फिर मददगार भी नहीं होगा। इन्हीं लोगों की फिर आगे अल्लाह ने मजीद मजम्मत बयान करते हुए फरमाया कि इन्हें ऐ हबीब के आपने उस गिरोह को नहीं देखा जिन यानी यहूदियों का गिरोह जिनको किताब का कुछ हिस्सा दिया गया था, उन्हें अल्लाह ताला की किताब इसलिए मिली थी कि ताकि जो उनके दरमियान इख्तलाफात हैं झगड़े हैं वो खत्म कर दे,
वो किताब इलाही की बुनियाद पर, वही इलाही की बुनियाद पर, अल्लाह के दी हुई दीन की बुनियाद पर वो एक हो जाए, उनके दरम्यान उनके झगड़ों का तस्वीर कर दिया जाए, फैसला कर दिया जाए। लेकिन क्या हुआ, चाहिए तो ये था कि वो हिदायत हासिल करते, वो अपने दरम्यान इख्तलाफात को ख़त्म करते, अल्लाह की तरफ आ जाते, अल्लाह और उसके रसूलों की ताबेदारी करते। क्या हुआ कि उनमें से एक फरीक ने पीठ फेर ली, यानी इनकार कर दिया, उस किताब इलाही को पसे पुश डाल दिया, ठीक है, और उसके मुखालिफ हो गए। यानी फिर उनमें भी मजीद तकसीम हो गई, कुछ तो वो थे जो हक के रास्ते पर आ गए, लेकिन एक जमात थी, बड़ी जमात जो थी, उसने उस किताब का इनकार कर दिया। यानी बहमी झगड़ों से वो बाज ना आए, फिर भी साजिशों से, अंबियाए किराम के नाक कत्ल करने से, इंसाफ पसंद लोगों को शहीद करने से वो बाज ना आए, ठीक है, उन्होंने उस किताब से मुंह मोड़ लिया, ठीक है, वो ख्वाहिशों के गुलाम बन गए। कोई भी कौम जिसको अल्लाह ताला ने जिसकी तरफ अंबिया और रसूल भेजे, और उस कौम के रसूलों पर किताबें नाजिल हुई, सहाइफ नाजिल हुई, और उसने अपने मनमानी तावीलात का सहारा लिया, उनकी तालीमात को पुश डाल दिया, तो वो कौम जलील और रांदा दरगाह इलाही हो गई। यहूदी भी इसी तरह हुए कि उन्होंने भी अल्लाह ताला की किताब की तालीमात, अंबिया और रसूल के पैगाम को जुटला दिया, अपनी मनमानी ख्वाहिशात, अपने जाती और गिरोही मफादात को मद्देनजर रखते हुए किताब इलाही के अहकामात का इनकार कर दिया। तो अल्लाह ने फरमाया कि उनमें से एक गिरोह फिर पीठ फेर लेता है दरां आले के, वो रूह गर्दानी करने वाले होते हैं। रूह गर्दानी कहते हैं चेहरे को फेर लेना। जब हम किसी आदमी से नाराज हो ना, तो हम जब वो हमारे सामने आता है, ठीक है, तो हम उसे अपना मुंह फेर लेते हैं, तो उसे रूह गर्दानी कहते हैं। यानी तकब्बर के साथ गुस्से के साथ मुंह फेर लेना कि मैं इसे बात ही नहीं करना चाहता। इसी तरह वो भी अल्लाह की किताब जो नाजिल हुई, अल्लाह ताला के अंबिया रसूल आए, तो उन्होंने कहा हमने इसे हिदायत हासिल करनी नहीं, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, हम अपना मफाद कुर्बान नहीं कर सकते। तो ये हालत हम मुसलमानों की भी थी, है कि हमने भी किताब इलाही के सामने अपना सर नहीं झुकाया, और जो हमारी दुनियादारी है, दुनियावी मफादात हैं, हमने उनको तरजीह दी। इसी वजह से हम भी जो है ना मुश्किल हालात से दो चार हैं, और वो लोग भी इसी वजह से तबाह और बर्बाद हो गए। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में देखिए खोल खोल कर बयान किया है कि अल्लाह ताला के अहकामात, उसके अंबिया और रसूल, उसके दीन की नाफरमानी करने का क्या नतीजा होता है। जी नाफरमानी में तो साहब जी फिर सब कुछ ही आता है, जाहिर है जी, फिर नाफरमानी जिस किस्म की भी हो, अगर उस नाफरमानी पर हट धर्मी हो जाए और आदमी उसको छोड़ने के लिए तैयार ना हो, तो फिर अल्लाह रसूल के खिलाफ जंग तो की नहीं जा सकती, क्योंकि अल्लाह तो सुपर पावर है, सुप्रीम पावर है, वाला कुल शेन कदीर है। उसने इंसान को पैदा ही इसीलिए किया है कि उसके सामने सर झुकाए, उसके अहकाम के सामने सर तस्लीम खाम करे। जब वो नहीं करता, नाफरमानी पर डट जाता है, तो फिर उसके लिए वबाल जान बढ़ जाती है, बन जाती है। हट धर्मी से क्या मुराद है सर जी? जिद कि मैं नहीं मानता, मगर मैं सर जी अपने मुसलमानों पर अपनी बात कर जी जी कि हम तो नहीं जिद करते हैं सर जी, मगर हम नाफरमानी तो करते हैं अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की, अल्लाह के दीन की, इसको जिद कह सकते है ना। हम एक अपने अमली तौर पर तो हम जिद करते ही है ना, ठीक है, ये तो नहीं ना कि बंदा कहे कि मैं जिद कर रहा हूँ, उसके लिए ये होता है कि उस अमली तौर पर हम जिद तो करते हैं ना। हम नमाज कहाँ पढ़ते हैं, हमारे अक्सरियत नमाज नहीं पढ़ती, जकात नहीं देती, ठीक है, तो यही तो जिद है, और क्या है। कुरान के अहकाम मुकम्मल हो चुके, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया है। अब भी अगर कोई बंदा नमाज नहीं पढ़ता, अब भी अगर कोई बंदा जकात नहीं देता, हराम कामों से नहीं बचता, जायज कामों की तरफ रगबत नहीं रखता, तो ये जिद ही तो है। चले जी, अल्लाह ताला हमें माफ करे, जो कुछ भी आज हमने पढ़ा सुना उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमामी।